आओ मेरे चार चटोरो, आज फिर एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ आ गई हूँ। स्क्रीन पे आप देख ही लिए हो कि मैं मैगी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे पानी में नमक डाल के गर्म कर लिया था और इस मैगी को इसमें डाल दिया है। ये आज मैं ना तो मसाला मैगी बनाने जा रही हूँ, ना तो चाइनीज मैगी बनाने जा रही हूँ, बिल्कुल नए तरीके की चटपटी टी टाइम रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें इसे 50% कुक कर लेना है, इसे 100% हमें कुक नहीं करना है। बस ये एक एक अलग अलग हो जाए मैगी, इतना देर ही हमें इसे पकाना है। और ये देखिए अलग अलग हो गया है। अब हम अपने गैस को ऑफ करेंगे और इसे छानेंगे। तो चलिए अपना गैस पहले ऑफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने गैस ऑफ कर दिया और यहाँ पर एक छन्नी रख लिया था, उसी में मैंने इसे छान लिया है। और ये अब 2 से 3 मिनट थोड़ा हमें ठंडा कर लेना है, ज़्यादा देर ठंडा नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख लिया था, जब से मेरा मैगी ठंडा हो रहा था उतने देर के लिए। और यहाँ पे मैंने अब इसे डाल लिया है मैगी को अपने तेल में तलने के लिए। और इसे तलने में हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे, बहुत ही बढ़िया तल के ये तैयार होगा। अच्छा, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की अच्छी अच्छी इजी और चटपटी सी रेसिपी आपको मिल सके। तो ये देखिए हमारी मैगी 50% कुक हो चुकी है। अभी हमें 2 से 3 मिनट और लगेंगे, इसे धीमी आंच में ही आपको करना है, हाई फ्लेम पर मत करिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ये फाइनली मेरा बन गया है और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। थोड़ा सा इसे ठंडा कर लीजिएगा, नहीं आपका हाथ जल जाएगा। देखिए कितना ही क्रिस्पी सा हमारा मैगी बना है, बहुत ही बढ़िया सा। इसे हम तोड़ लेंगे स्नैक्स के जैसे, नमकीन के जैसे। और अभी मैं इसकी बनाने जा रही हूँ मैगी भेल, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, चटपटा सा। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 प्याज जो मैंने काट के रखा था, साथ में 1 टमाटर मैंने काटा है इसे भी डाल दिया है, 2 मिर्ची मैंने हरी काट लिया था, साथ में धनिया का पत्ता, इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद लाता है, खुशबू लाता है। जीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, साथ में लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा। और ये है हमारा चाट मसाला, साथ में मैं डालूंगी मैगी का मसाला जो होता है पैकेट में उसे, और नींबू का रस। इसमें हमें सादा नमक और काला नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉयल करते समय हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था, उसके बाद मैगी के मसाले में भी नमक होता है और चाट मसाले में भी हल्का नमक होता है। तो अगर आप अलग से नमक ऐड कर देंगे तो फिर इसमें नमक ज़्यादा हो जाएगा, तो नमक आप मत डालिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करना है और बस खाना है। बहुत ही फटाफट से बन गई हमारी ये चटपटी सी मैगी रेसिपी। तो चलिए अब इसे हम अपने प्लेट में निकाल लेते हैं। और देखिए कितनी अच्छी सी देखने में लग रही है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी सी मैगी की हमारी ये रेसिपी। मैगी तो आप हमेशा ही खाते हो, इस तरह से एक बार बना के खाना और बताना मुझे कि आपको हमारे मैगी की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और कमेंट बॉक्स में हमारी कमी भी बताइएगा कि अगर हमने कहीं कोई फॉल्ट किया हो तो हम उसे भी सुधारेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय गुरुदेव।